नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल वज़ीफ़ा 786। जैसा कि आपको पता है, आपका अपना चैनल वज़ीफ़ा 786 आप लोगों के लिए नए ताबीज़, अमल, वज़ीफ़ा, नक्स लेकर हाजिर होता है। इंशाल्लाह आज फिर से नया ताबीज, नया वजीफा, नया अमल लेकर हाजिर हुआ है, नया नक्स लेकर हाजिर हुआ है आपका अपना चैनल वजीफा 786। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को मिस ना कर पाए। आपका अपना चैनल वजीफा 786। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज किस काम के लिए बनाया गया है, किस काम के लिए नहीं बनाया गया, ये चीज हम आपको अच्छी तरीके से बताते भी हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाते भी हैं। इंशाल्लाह आज फिर से अच्छी तरीके से समझाएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे इस ताबीज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, इसको किस तरीके से बनाना है, ये ताबीज किस काम के लिए बनाया गया। इंशाल्लाह ये ताबीज जो है मोहब्बत के लिए बनाया गया है, मोहब्बत को पाने के लिए। मोहब्बत में किसी को गिरफ्तार करना है, अपनी मोहब्बत में अगर किसी को भी गिरफ्तार करना है, किसी को भी पागल करना है अपने लिए, अगर कोई भी मतलब कि जेंट्स हो या लेडीज हो, किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेकरार करने के लिए, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए अगर किसी को करना है तो इंशाल्लाह इस ताबीज को जो है बनाएं। और इस ताबीज पे जो है जो जो चीज वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई जाएगी, अच्छी तरीके से बताई जाएगी, उसमें उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज जो है मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए ताबीज, ये नक्स बनाया गया है। मोहब्बत में किस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, किस तरीके से नहीं किया जाएगा, ये मोहब्बत में पागल कर देने वाला ताबीज, मोहब्बत में बेकरार कर देने वाला ताबीज, इतना पावरफुल ताबीज। आज तक उम्मीद रखते हैं आज तक किसी ने आपको ये ताबीज, ये नक्स नहीं बताया होगा, ना ही समझाया होगा, ना ही किसी तरीके की वीडियो आपने देखी होगी इस तरीके का ताबीज, मोहब्बत में गिरफ्तार कर देने वाला, मोहब्बत में बेकरार कर देने वाला ताबीज, ये नक्स, ये ताबीज जो है किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। किसी को मतलब किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना हो तो इस नक्श को बढ़िया तरीके से सफेद कागज पर जो है, ये तीनों नक्श जो है बढ़िया तरीके से लिखें। ये जो तीनों नक्श आपको दिखाई दे रहे हैं इस कागज पर, इस कागज को जो है बढ़िया तरीके से इन तीनों नक्श को लिखें। लिखने के बाद में नीचे लिखें तीनों तरीके से अमल लाए, मतलब कि तीनों तरीके से जिसके लिए भी अगर ये ताबीज या अमल जो भी करते हैं आप, उसके लिए नाम, उसकी माँ का नाम लिखना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं उसका नाम, उसकी माँ का नाम। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज जो है आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे जिसके लिए भी आप ये अमल करते हैं, जिसके लिए ये अमल बनाते हैं, ये मतलब कि किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहते हैं या किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेकरार करना चाहते हैं, तो इसमें जो इसका सही मुकम्मल जायज तरीके से ही बनाएंगे और जायज काम के लिए बनाएंगे, ना कि नाजायज काम के लिए बनाएंगे, इसको जायज काम के लिए इस्तेमाल में लेना है। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज जो है जिसके लिए बनाएंगे आप, उसका नाम लिखेंगे और फिर उसकी माँ का नाम लिखेंगे, उसका नाम बिनते उसकी माँ का नाम। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये तीनों ताबीज का इस्तेमाल करना है, किसी को गिरफ्तार करने के लिए, किसी को अपनी मोहब्बत में पागल कर देने के लिए, मोहब्बत में बेकरार कर देने के लिए, तीनों ताबीजों का इस्तेमाल करना है जायज काम के लिए, ना कि नाजायज काम के लिए। इसको जायज काम में इस्तेमाल में लेंगे इंशाल्लाह, इतना पावरफुल ताबीज है, ताकि आप लोग इसका, इसकी तासीर और इसका जो है मकसद, जो जिस मकसद से आप बनाएंगे उस मकसद में पूरे कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर जायज काम के लिए बनाएंगे। मैं ये ताबीज आपको बना के दिखा देता हूं किस तरीके से बनाया जाएगा। स्टार्टिंग में जो है आपको इस ताबीज से स्टार्टिंग करनी है, यहां पर एक लिख गया, यहां सात लिख गए, यहां आठ, दो, तीन, छः, पाँच, चार, इस तरीके से ये ताबीज का इस्तेमाल करना है, इसी तरीके से बनाना है।
सीधे हाथ की तरफ से इसका इस्तेमाल करना है, सीधे ही हाथ की तरफ से आपको बनाना है ये ताबीज। मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूं अच्छी तरीके से, फिर आपको एक बार और समझा देता हूं ताकि आप लोग किसी तरीके की मिस्टेक ना कर पाए। ये 9 लिख गए, ये 15, 11, 3 1, 4 1, 8 1, 7 1, 2 1, ये इस तरीके से बनाना है। 7 1, 4 2, 1 2, 7 1, 9 1, 3 2, 2 2 0 2। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज जो है बनाकर रेडी कर दिया गया है। किस तरीके से बनाया गया, आप लोगों को अगर उर्दू समझ में ना आती हो, आपको मैंने पढ़ के सुना दिया गया, मतलब कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आपको मैंने हिंदी में बताया गया, ये 1 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 2 है, इस तरीके से मैंने आपको बताया है ताकि आप लोग अगर इस चीज में कंफ्यूज है, अगर नहीं लिख पाते हैं, तो आप इस वीडियो को सुन के और इसको देख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में भी बना सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए ताबीज है इंशाल्लाह। इसका जायज और नाजायज से संबंध है। जायज काम के लिए बनाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा असर दिखाएगा, नाजायज के लिए बनाएंगे तो इसमें कोई असर नहीं होगा। जायज काम के लिए, मोहब्बत को पाने के लिए, मोहब्बत को अपनी गिरफ्तार करने के लिए, अपनी मोहब्बत को अपने पास गिरफ्तार करने के लिए ये ताबीज बनाया गया इंशाल्लाह। मोहब्बत पाने का ये ताबीज है, मोहब्बत का नक्श है इंशाल्लाह। ये ताबीज जो है इतना पावरफुल ताबीज है, आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं दिया हुआ, ना कोई लेकर हाजिर हुआ होगा। इंशाल्लाह आपका अपना चैनल वजीफा 786 लेकर आपके लिए हाजिर हुआ है। मोहब्बत में बेकरार कर देने वाला ताबीज, मोहब्बत में गिरफ्तार कर देने वाला ताबीज। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को मिस ना कर पाए। आपका अपना चैनल वजीफा 786। गुल खिलेंगे, गुलशन खिलेंगे, जिंदगी वाह कह रही, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।